हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ठीक होने से ये और मैं अनिता रानी आपको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। और मैं आप देखा बनाती हूँ फ्रेंच फ्राई। ये है यम्मी गोदरेज और मैं भी इनको तलती हूँ, तेल में डाल के दिखाती हूँ आप लोगों को भी दिखाती हूँ। चलो बनाते हैं हम टेस्टी टेस्टी। कैसे बनते हैं? मैंने कढ़ाई में डाल दिया तेल, ये देखो दूसरे हाथ से ना कैमरा हो गया था मेरा, ऊपर था कैमरा ज्यादा, फिर आप लोगों को दिखाई नहीं देता मेरे हाथ से ना, ये निकल जा बाहर। मैं इनको ठीक कर लेती हूँ। बाहर निकल गई थी कुछ थोड़ा थी। और अभी ना मैंने मेथी की सब्जी बनाई थी आप लोगों को जो दिखाई थी, मैंने सोचा ये बनाती हूँ, ये भी आप लोगों को दिखा लेती हूँ। मैंने डाल लिया कढ़ाई में तेल और अब कर देते हैं फ्लेम को थोड़ा तेज और इसको पास करते हैं। स्वादिष्ट लगते हैं तल के। पता है मैं सिखा देती हूँ कहीं ना खुद ही नीचे जा रहा हो जाना। इसमें कोई झंझट वाली है ही नहीं। ना वो फ्राई कर लो बस सिंपल। मैं देखो ठीक है, मैं देखती हूँ एक डाल के तेल मेरा हो गया कि नहीं हो गया। तेल में ना पूरा जब तक खड्डा लग जाए तब तक पकता है। तेल मेरा पक्के हो गया तैयार। और चलो अब और डाल देते हैं इसमें। कितने आ रहे हैं हम इसमें, कितने आ रहे हैं इतने आराम से डाल सकते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, अब इनको रख देती हूँ और इनको अच्छे से कर देती हूँ। कभी नाश्ते में चाय के साथ हमें कोई चीज ना हो आप बनाने में झंझट वाली लगे, बाजार से ला के रख लो दो पैकेट और जमा कर फ्राई करके खाओ। मुझे ना बिस्कुट बिस्कुट तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिस्कुट नहीं खा सकते हैं। नमकीन की मैं कोई कोई खाती हूँ सर, नमकीन में नहीं खाती और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसे लगे, आप लोग भी बताना चेक कर ले कैसे हैं। ठीक है, अभी मैंने ना गैस को सिम कर दिया क्योंकि अगर तेज आंच में करेंगे तो जल जाएंगे। तब तक मैं अपनी सब्जी भी देख लेती हूँ। मेरे मेथी की सब्जी बनकर कैसे तैयार हुई।
ये सब्जी बिल्कुल एकदम रेडी हो गई बन के। मेथी की सब्जी में ना ज्यादा हो गई छीन कर ज्यादा मेथी की छीन कर तैयार हो गई एकदम रेडी है। इसको मैं रख देती हूँ ढक के और अब देख लेती हूँ मैं उनको कैसे हो गए कलर। अभी थोड़ा कलर चेंज होगा उनका, थोड़े ब्राउन ब्राउन हो जाएंगे ना तब समझो अच्छे हो गए। ठीक है, तब तक मैं सामान को रख लेती हूँ। गर्म पानी में अपना सर्दी में गर्म पानी में या तब अच्छा मिलता है, नहीं तो नहीं रोटी बिल्कुल भी नहीं बना ठंडे आते भी तो मेरी आवाज़ ना अजीब से गड़बड़ी होगी ना आप लोगों को, मैंने पहले भी जो नहीं बताया था लेकिन क्या है गला खराब है मेरा। मैंने आपको खांसी बुखार हो गया था ठीक है वैसे, और तब तक मैं यहाँ इस चूल्हे पे ना पानी रख लेती हूँ आटे के लिए और एक मेरे जल्दी से स्टार्ट नहीं होता। देखो चार पांच बार के में होता है ये ऐसा ही है शुरू से जब से मैंने चूल्हा खरीदा ना तब से ऐसे ही होता है लेकिन हो जाता है वैसे ठीक है कोई दिक्कत उसमें है नहीं, इसको आराम से ही होना होता है। ठीक है देखो ना इनका कलर अब ब्राउन ब्राउन होने लग गया, डार्क ब्राउन तो होगा ना लेकिन हल्का हल्का ब्राउन करेंगे ना तभी अच्छी लगे, ज्यादा ब्राउन में तो जल जाएंगे जल के तो सारा स्वाद बिगड़ जाएगा आपका। देखते हैं कैसे बनते हैं, मुझे लग रहा है बनते हो गए रेडी एकदम फर्स्ट क्लास। ये देखो पेटिंग को नीचे वाली मैं थोड़े और बना लेती हूँ इसमें डाल देती हूँ इसको इससे निकाल लेती हूँ एक साइड कर देती हूँ। पानी मेरा हो गया गैस को मैं बंद कर देती हूँ और ये बन के मेरे रेडी हो गए और आप लोग भी खा लीजिए और खा के बताना आप लोगों को कैसे लगे, अच्छे लगे तो एक कमेंट कर देना, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर देना कमेंट कर के बता देना और चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, वैसे अभी नहीं है मेरे पास इतने तो सब्सक्राइब आ जाए मेरी अभी छोटी सी जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, मेरी छोटी फैमिली है धीरे धीरे बड़ी भी हो जाएगी उम्मीद करती हूँ। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो ना अब मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात बस ये बात है कि आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर देना कमेंट करके बता देना और मेरी आंखें को कैसी लग रही है ना ये।
ज़्यादा चिंता है तो बढ़िया होगी, तो इससे क्या होगा ना, जो होगा होगा वो मान करेगा, ठीक है ओके। और तब तक मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, और आपको पसंद आई हो तो मेरे ऐसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, तो मैं मान कर गया माता दी, मस्त।